तो आज की टॉपिक है मर्क्यूरियस डेल्सिस। मर्क्यूरियस डेल्सिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग बीमारियों में होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या होता है इसका इस्तेमाल। सबसे पहला जो है मर्क्यूरियस डेल्सिस का इस्तेमाल, सबसे पहले होता है कॉन्डाइलोमाटा। एक तरह से ये एक ओवरग्रोथ हो जाती है, स्किन पे ओवरग्रोथ हो जाती है, ठीक है। यानी आप वार्ट्स, आपने देखा होगा वार्ट्स हो जाना या छोटा छोटा कुछ अलग से स्किन में आ जाना, वैसे ही होता है। तो इसको कॉन्डाइलोमाटा कहते हैं, वार्ट्स आप समझ सकते हैं। तो ये जो डिजीज है ये फीमेल में सबसे ज्यादा पाया जाती है। और कहाँ पे किस हिस्से में ये कॉन्डाइलोमाटा होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये होता है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में, वो एरिया जो है जेनाइटल एरिया, उस जगह पे होता है ये कॉन्डाइलोमाटा, ठीक है। एक ओवरग्रोथ, एक छोटी सी ग्रोथ हो जाती है, छोटा सा कुछ आ जाता है, तब हम देख सकते हैं ये मर्कुरियस डेल्सिस। ओके, तो मर्कुरियस डेल्सिस और किन बीमारियों में आता है, काम में आता है? तो पहला ये हो गया, सेकेंड हुआ कि जो बच्चे बीमार पड़ते हैं जिनको डायरिया हो जाती है, ठीक है। डायरिया हो जाती है तो डायरिया किस तरह का, जो हरा घास आप देखते होंगे घर के बाहर, आप हरे घास देखते होंगे, वैसे हरी घास जैसा स्टूल का निकलना, ठीक है, लेट्रिन का होना, वैसे हरे हरे रंग का, वो होता है, तब आप दे सकते हैं इस मेडिसिन को। साथ ही साथ उसके कारण मतलब वो इस तरीके का आपको दिखेगा ना देखने से, कि वो अंडे को जैसे चॉप्ड करते हैं, यानी कि अंडे के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो कैसा होता है वैसा ही देखने में लगेगा वो डायरिया, ठीक है, वो स्टूल। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो बच्चा है वो काफी, जब भी बाथरूम करता है, ये लैट्रिन करता है, तो उसको बहुत पेन होता है, स्टूल निकलते समय उसको बहुत दर्द होगा। ये दर्द का कारण डायरिया है और इसकी मेडिसिन मर्कुरियस डेल्सिस है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो मर्कुरियस डेल्सिस वैसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कहते हैं कि उनके जो मसूड़े हैं, ठीक है, बहुत दर्द है उन मसूड़ों में, उनका जो जीभ है वो काले रंग का हो गया है। और आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट में जीभ तो काला हो गया है, मसूड़े का जो है वो दर्द है, मसूड़े में हमेशा दर्द रहता है, और साथ ही साथ कहता है कि मुंह में अल्सर हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में मुंह में अल्सर यानी कि घाव जैसा बन जाना, तो ऐसे कंडीशन में हम मर्कुरियस डेल्सिस दे सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कर देगी, 100% ठीक कर देगी अगर ऐसा कंडीशन है तो। और वैसे इंसान के मुख से जो है वो हमेशा सड़े हुए सड़ा हुआ जैसा कुछ गंध आएगा वैसे पेशेंट के मुख से, तो उस कंडीशन में भी आप मर्कुरियस डेल्सिस दे सकते हैं। फिर बारी आती है कि कैटरल अफेक्शन, यानी कि आँख से या कान से बहना, मतलब कई लोग कहते हैं कि हमारे आँख से ऐसे आंसू आ जाता है या फिर कान से बहता है कुछ भी, है ना, कभी कभी वो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, यानी सफेद रंग का कुछ गिर सकता है, पानी जैसा पदार्थ गिर सकता है, या फिर वो कलरलेस भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप मर्कुरियस डेल्सिस दे सकते हैं। तो मर्कुरियस डेल्सिस और किस काम में आती है इस बारे में जानते हैं, ये तो मैंने बता दिया। ईयर के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे, जो लोग मेडिकल लाइन से हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि मिडिल ईयर भी एक होता है, ठीक है। ईयर के पार्ट्स होते हैं, तो वो बीच वाला जो पार्ट है ना, जहाँ आप कह सकते हैं कि कई मतलब आम भाषा में कहें तो कान का पर्दा, उस जगह पे अगर इन्फेक्शन हो गया है या वहां से प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज भी का गंध आएगा, ठीक है, उसे महक आएगी, तो वैसे डिस्चार्ज में वहां से कुछ गिर रहा है या कान का बहना जिसे कहते हैं लोग, वैसे कंडीशन में आप मर्कुरियस डेल्सिस दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, अच्छा इफेक्ट करती है, असर करती है। और लोगों को मैं सीधा कहना चाहूंगी कि भाई कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो पहले होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके एक बार सलाह मशवरा कर लें। लेकिन मर्कुरियस डेल्सिस एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अगर इन कंडीशंस में आप देखते हैं कि ऐसे कंडीशंस हैं तो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
आखिर में जाते जाते मैं ये कहूँगी कि YouTube में बहुत सारे होम्योपैथी के आपको किसी भी तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन हाँ हर मैंने देखा है कि हर वीडियो में ये दिखाया जाता है कि भाई ये डिजीज़ है और आप इतने सारे मेडिसिन है, आप ये मेडिसिन ले लो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि ठीक है वो मेडिसिन आप लीजिए, मना नहीं कर रही मैं लेने के लिए, क्योंकि वो उनका नज़रिया है, लेकिन हाँ मेडिसिन लेने से पहले जान लीजिए कि वो मेडिसिन किन किन चीज़ों पर काम करती है, और इसके लिए मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।